बिहार के कटिहार जिला स्थित मनिहारी प्रखंड के पक्षी विहार, जहां जाड़े के मौसम में साइबेरियन पक्षी का जमवाड़ा होता है, इसके लुप्त उठाने के लिए देश प्रदेश की सैलानियों का जमावाड़ा के साथ ही एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का मुहिम कटिहार जिला स्थानीय MLA तथा बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सह मंत्री पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तारकिशोर प्रसाद के द्वारा गोगा बिल के निरीक्षण किया गया, जहां उनका तथा उनकी पूरी टीम का जोरदार स्वागत मनिहारी वासियों द्वारा हुआ। उनके साथ प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह, JDU जिला अध्यक्ष समीम इकबाल, मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद, MLA सी अशोक अग्रवाल, DM कंवल तनुज, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के अलावा पूर्णिया DFO भास्कर चंद्र भारती, भागलपुर DFO भरत चिंतापल्ली, इंडियन बर्ड कंजर्वेशन के स्टेट समन्वयक अरविंद मिश्रा, कोढ़ा विधायक पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी जैसे गणमान्य और प्रशासनिक अधिकारी के मौजूदगी में पहुंचकर नाव से गोगाबिल झील का निरीक्षण किया तथा देश विदेश से आए पक्षियों को देखा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस झील को विकसित किया जाएगा। गोगाबिल झील का सामुदायिक आरक्ष के रूप में इस झील को कैसे विकसित किया जाएगा, इसके लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव एवं उनके सारे पदाधिकारी आज हम सबों के बीच में उपस्थित भी हैं और हम सब निरीक्षण भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस झील को सामुदायिक आरक्ष के रूप में हम सब बेहतर ढंग से विकसित करेंगे, जिससे कि अब पर्यटन के मानचित्र में दिखे। और वास्तव में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सूरापाट डाल और इस क्षेत्र के तमाम अपने भूस्वामियों को, इस क्षेत्र के हमारे जो अभिभावक हैं उनको, जिन्होंने स्वेच्छा से एक सामुदायिक भाव से इस झील को विकसित करने में काफ़ी मेहनत की है और हम सबों का ध्यान आकृष्ट किया है और विभाग की ओर से हर जो संभव सहयोग है हम सब करेंगे और इसलिए आज पूरी गंभीरता से पूरा विभाग आज गोगाबिल में उपस्थित है कि आने वाले दिनों में इसे एक मूर्त रूप देंगे, जिससे कि गोगाबिल झील बिहार सिर्फ कटिहार के नक्शे में नहीं, बिहार के नक्शे में पर्यटन स्थल के साथ साथ जो हमारे प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, जो हमारे वन प्राणी हैं, उसके संरक्षण केंद्र के रूप में जाना जाएगा।